दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके 500 सब्सक्राइबर भी है तो आप कितनी स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, और अगर आपके 1000 से 5000 के बीच में सब्सक्राइबर है तो आप कितनी स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, और अगर आपके 10000 से लेकर 1,00,000 सब्सक्राइबर है तो आप कितनी स्पॉन्सरशिप चार्ज कर सकते हैं। और यहां तक कि आज हम आपको बताएंगे कि एक बड़ा यूट्यूबर जिसके 10 मिलियन तक भी सब्सक्राइबर होते हैं वो कितनी स्पॉन्सरशिप चार्ज करता है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हां बेल आइकन को ऑल पर सेव करना ना भूलिएगा ताकि यूट्यूब और फेसबुक संबंधित नए नए अपडेट की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मैंने कई ऐसे बड़े बड़े चैनल भी देखे जिनके 25,000 50,000 यहाँ तक कि 1,00,000 सब्सक्राइबर भी होते हैं। उन लोगों को भी अच्छी तरह अभी यह पता नहीं होता कि उनको एक स्पॉन्सरशिप से कितना रुपए तक चार्ज करना चाहिए, और इस बात का फायदा वो लोग उठाते हैं जो स्पॉन्सरशिप के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इन लोगों को पता होता है कि कितने सब्सक्राइबर पे कितनी स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए, और ये लोग क्या करते हैं कि ये किसी बड़े ब्रांड से 1,00,000 रुपए एक स्पॉन्सरशिप का चार्ज कर लेते हैं, और ऐसे यूट्यूबर को ढूंढते हैं जो स्पॉन्सरशिप के बारे में अच्छी तरह नहीं जानता, और ऐसे यूट्यूबर मिल जाने के आज वो उसको 25,000 या 50,000 देके स्पॉन्सरशिप करवा लेते हैं और बाकी बचा हुआ पैसा खुद रख लेते हैं। और इस जगह यूट्यूबर तो सोचता है कि चलो मुझे एक ही वीडियो की अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप मिल गई, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि उसके साथ सामने वाला क्या गेम खेल गया है। तो ऐसा कभी आपके साथ ना हो, इसीलिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरी देखें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, के एक छोटे यूट्यूबर से लेकर एक बड़े यूट्यूबर को कितनी स्पॉन्सरशिप तक लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूट्यूब पर स्पॉन्सरशिप लेने के लिए 4 फैक्टर मैटर करते हैं, और इसके बारे में आपका जानना भी जरूरी है। सबसे पहला फैक्टर है कि आपके चैनल पर सब्सक्राइबर कितने हैं, क्योंकि जब भी कोई ब्रांड आपके चैनल पर आता है तो वो देखता है कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, 10,000 है, 50,000 है या 1,00,000 है, कितने हैं। अब आपका जितना ज्यादा बड़ा सब्सक्राइबर बेस होगा आपको स्पॉन्सरशिप उतनी ही ज्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, तो दूसरा फैक्टर है कि आपकी वीडियो पे व्यूज कितने आते हैं। जैसे कि हमारा टेक कैटेगरी का चैनल है तो उस पे 10-15% व्यूज आ जाते हैं। जैसे कि किसी पर्सन का टेक कैटेगरी का चैनल है और उसके 1,00,000 सब्सक्राइबर है तो उसके मिनिमम 10-15,000 व्यूज आ ही जाते हैं। तो ये व्यूज भी मैटर करते हैं क्योंकि बहुत से लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर है, लेकिन जब बात करें व्यूज की तो उनके व्यूज लाखों में या हजारों में रह जाते हैं। तो व्यूज भी मैटर करता है कि आपके चैनल पे एवरेज व्यूज कितने आते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, तो तीसरा फैक्टर है आपके चैनल की कैटेगरी क्या है। अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या फिर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो आपको बहुत पैसा मिल जाएगा। अगर आपका टेक कैटेगरी का चैनल है तो थोड़ा कम मिलेगा, और ब्लॉग कैटेगरी का है तो थोड़ा और कम मिलेगा, गेमिंग का है तो और थोड़ा कम मिलेगा। तो इस प्रकार आपके चैनल की कैटेगरी भी बहुत बड़ा मैटर करती है। और अब बात करते हैं चौथे फैक्टर की, तो चौथा फैक्टर है ब्रांड। अगर कोई रेपुटेड ब्रांड होगा जिसको सब लोग जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको फ्लिपकार्ट के लिए स्पॉन्सरशिप करने का ऑफर आता है, तो फ्लिपकार्ट क्या है, एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है और बहुत ही ज्यादा फेमस ब्रांड है, तो उससे आपको अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। और मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट आती है जिसपे फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, तो वो आपको स्पॉन्सरशिप के और ज्यादा पैसे देंगी, और अगर कोई नया ब्रांड है तो वो भी आपको अच्छा खासा पैसा दे देगा। तो ब्रांड वैल्यू भी स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो इतनी सब बातें पता होने के बाद आप एक अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके चैनल पर मिनिमम 700 से 1,000 सब्सक्राइबर भी है तो कोई भी ब्रांड आपको आस्ते आस्ते 500 रुपए की स्पॉन्सरशिप तो दे ही देता है, और हो सकता है कि बहुत सी कंपनी आपको 800 भी दे दे, 1,000 तक भी दे सकती है। और दोस्तों मान लीजिए कि आपके चैनल पर 1,000 से लेकर 10,000 तक के सब्सक्राइबर हैं, या 7,000 है, 8,000 है, तो आपको मिनिमम 2,500 से लेकर 3,000, 3,500 या 4,000 तक आसानी से मिल जाएंगे अगर आपके वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आते होंगे। तो आप मिनिमम 2,500 ले सकते हैं और मैक्सिमम आप 4,000 तक ले सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके चैनल पर 10,000 से लेकर 50,000 तक सब्सक्राइबर हो तो आप स्पॉन्सरशिप के लिए मिनिमम 8,000 से लेकर मैक्सिमम 12,000 तक मांग सकते हैं। और अगर आपके 50,000 से लेकर 1,00,000 सब्सक्राइबर तक है तो आप डिमांड कर सकते हैं 15,000 से लेकर 25,000 तक, इतना आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर आपके चैनल पर 1,00,000 से लेकर 3,00,000 तक सब्सक्राइबर है तो आप डिमांड कर सकते हैं 25,000 से लेकर 50,000 तक। और अगर आपके 3,00,000 से लेकर 5,00,000 या 6,00,000 तक सब्सक्राइबर है तो आपको 50,000 से लेकर 70,000 आराम से मिल जाएगा। और अगर आपके 5,00,000 से लेकर 1,000,000 सब्सक्राइबर है तो आप 1,00,000 से लेकर 1,20,000 तक स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों स्पॉन्सरशिप मैटर करती है आपके सब्सक्राइबर बेस पर, व्यूज पर, ये जितने ज्यादा होंगे आपको स्पॉन्सरशिप उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो दोस्तों आपके यूट्यूबर कितने सब्सक्राइबर है कमेंट में जरूर से बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, और हां बेल आइकन को ऑल पर सेव करना ना भूलिएगा ताकि यूट्यूब और फेसबुक से संबंधित नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।